नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। चीन की ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल, ताइवान के समुद्री तट के पास 11 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ताइपे ने कहा, हम जंग के लिए तैयार। चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान से लौटते ही चीन और एग्रेसिव हो गया है। गुरुवार से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पीएलए ने ताइवान के उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम तट के पास 11 डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं ताइवान आने जाने वाली करीब 50 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग का नाम दिया है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह मिलिट्री ड्रिल ताइवानी तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की जा रही है। इसमें असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक्सरसाइज 7 अगस्त तक चलेगी। चीन पहले यह ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैंसी के दौरे के बाद अब बेहद नजदीक पहुंच गया है।